हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब पोर्टल्स में। आज हम आपके लिए बहुत ही बड़ी भर्ती लेके आए हैं। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन आप दबा दीजिए, जिससे आपको सारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपडेटेड रहें। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। ईस्टर्न रेलवे भर्ती 2020 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, ईस्टर्न रेलवे ने जो नोटिफिकेशन रिलीज किया है, इसमें अप्रेंटिस पोस्ट के लिए 2792 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। दोस्तों, ये जो जॉब है, रेलवे ने जो जॉब निकाली है, ऑल ओवर इंडिया बेस्ड जॉब है, या कहीं से भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर आप 10th पास हैं, आपने ITI किया है, तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्रेंटिसशिप पोस्ट है और इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का, ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो 13 मार्च 2020 का रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए, जिसमें कि आपको मैं सारे डाउट क्लियर करूँगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और कैसे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, आपको मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, ये भारतीय रेलवे के, ईस्टर्न रेलवे ने ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल एवेन्यू कोलकाता से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, rrcer.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। एक बार हम इसके शेड्यूल की भी बात कर लेते हैं। जो एप्लीकेशन शेड्यूल है, तो यहां पे आप देख सकते हैं, जो ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है 2019-20 के लिए रिलीज़ हुआ है। और यहाँ पे डेट ऑफ पब्लिशिंग नोटिफिकेशन, ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, ये 27 जनवरी 2020 को हुआ। और ओपनिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, ये 14 फरवरी 2020 से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और जो क्लोजिंग डेट है और एप्लीकेशन का, वो 13 मार्च 2020 का रहेगा। और आपका जो सेलेक्टेड कैंडिडेट का जो रिजल्ट आउट डिस्क्लोज होगा, वो 30 मार्च 2020 को होगा। यानी कि जो प्रोबेबल डेट ऑफ डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट, यहाँ पे जो लोग सेलेक्टेड हो जाते हैं, 30 तारीख तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, इसकी जो आपकी मार्क्स हैं और आपका जो ITI ट्रेड के मार्क्स है, उसकी जो मेरिट लिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अपने अप्लाई करने होंगे। और ये जो पोस्ट निकली है, ये अप्रेंटिस एक्ट 1961 के रूल के हिसाब से पोस्ट निकली है। बात करता हूँ मैं यहाँ पे किस किस ट्रेड के लिए ये पोस्ट निकली है, तो उसकी हम डिटेल से बात कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ITI के पॉपुलर ट्रेड है, जैसे फिटर के लिए, तो यहाँ सबके लिए यहाँ पे पोस्ट निकली है। फिटर की बात करूँ तो टोटल 281 पोस्ट है, जिसमें कि जो जनरल कैटेगरी के लिए 100 है, SC के लिए 44 है, ST के लिए 25 है, OBC के लिए 78 है, EWS के लिए 34 है, और PWBD के लिए यहाँ पे 12 है, और ESM के लिए यहाँ पे 9 है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये नोटिफिकेशन में डाल देता हूँ, जहाँ से आप इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं। वेल्डर के लिए टोटल यहाँ पे जो पोस्ट हैं, 61 पोस्ट हैं, और जो मैकेनिकल के लिए 9 पोस्ट हैं यहाँ पे, और मैकेनिकल डीजल के लिए यहाँ पे 17 पोस्ट हैं। और बाकी आप जो नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, जो आपको डिटेल देखना होगा कि किस कास्ट के लिए कितना है, तो वो आप डिटेल, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और ब्लैक स्मिथ के लिए यहाँ पे 9 पोस्ट हैं, मैकेनिस्ट के लिए यहाँ पे 9 पोस्ट हैं, कारपेंटर के लिए यहाँ पे 9 पोस्ट हैं, पेंटर के लिए यहाँ पे 9 पोस्ट हैं, और जो लाइनमैन जनरल है उसके लिए 9 पोस्ट हैं, वायरमैन के लिए भी यहाँ पे 9 पोस्ट हैं, जो जो रेफ्रिजरेटर और AC मैकेनिक है उसके लिए यहाँ पे 8 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पे 220 पोस्ट हैं। बात करूँ दोस्तों में जो अदर पोस्ट है, जिसमें कि आप देख सकते हैं मैकेनिकल टूल्स के जो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकेनिकल के लिए यहाँ पे मैकेनिकल जो टूल्स है उसके लिए यहाँ पे पोस्ट जो निकाली गई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 9 पोस्ट हैं। और बात करूँ मैं जो अदर पोस्ट है, जैसे यहाँ पे अदर जो शेड्यूल जो ये सेलदार डिवीज़न है उसके लिए अलग पोस्ट है, तो उसकी भी डिटेल में बात कर लेते हैं हम, किस कितनी ट्रेड के लिए कौन सी पोस्ट है। वैसे भी जितने भी पॉपुलर ट्रेड्स है, सबके लिए यहाँ पे ये वैकेंसी निकली है। तो फिटर के लिए यहाँ पे जो ये सालदार डिवीज़न है, उसमें 185 पोस्ट है टोटल। वेल्डर के लिए 60 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 91 पोस्ट है, लाइनमैन के लिए 40 पोस्ट है, वायरमैन के लिए 40 पोस्ट है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है उसके लिए 75 पोस्ट है, और मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर AC के लिए यहाँ पे 35 पोस्ट है। जो सालदार डिवीज़न है उसके लिए यहाँ पे 526 पोस्ट है। और इससे पहले जो मैंने वैकेंसी आपको बताई थी, तो वो जो डिवीज़न था, ये हावड़ा डिवीज़न के लिए बताया था मैंने आपको। और जो तीसरा डिवीज़न जिसके लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है, तो ये है मालदा डिवीज़न। इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे 41 पोस्ट हैं, रेफ्रिजरेटर AC मैकेनिक के लिए 6 पोस्ट हैं, फिटर के लिए 47 पोस्ट हैं, वेल्डर के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट हैं, पेंटर के लिए 2 पोस्ट हैं, कारपेंटर के लिए 2 पोस्ट हैं। तो दोस्तों, टोटल 101 पोस्ट है। जो हमारी अगली डिवीज़न है, ये है
अंस एंड ऑल डिवीज़न, इसके लिए जो टोटल पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिटर के लिए 151 पोस्ट हैं, टर्नर के लिए 14 पोस्ट है, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिकल के लिए 96 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे 110 पोस्ट है और मैकेनिकल डीजल के लिए यहाँ पे 412 पोस्ट है। तो ये टोटली ईस्टर्न रेलवे के जितने भी डिवीज़न हैं उनके लिए ये पोस्ट निकाली गई है। और आप देख सकते हैं ये कंचरपारा जो वर्कशॉप है उसके लिए भी यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। तो कंचरपारा के लिए जो टोटल पोस्ट है यहाँ पे फिटर आप देख सकते हैं, फिटर के लिए यहाँ पे टोटल 66 पोस्ट है और वेल्डर के लिए 39 पोस्ट हैं और इलेक्ट्रीशियन के लिए 73 पोस्ट है, मैकेनिस्ट के लिए 6 पोस्ट हैं, वायरमैन के लिए 3 पोस्ट है, कारपेंटर के लिए 9 पोस्ट है, पेंटर के लिए यहाँ पे 10 पोस्ट है, टोटल 206 पोस्ट है। और जो ये लीलोहा वर्कशॉप है इसके लिए भी यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। तो इसकी हम डिटेल से बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो फिटर के लिए 80 पोस्ट है और मैकेनिस्ट के लिए 11 पोस्ट है, टर्नर के लिए 5 पोस्ट है, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक के लिए 68 पोस्ट है, पेंटर जनरल के लिए 5 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 15 पोस्ट है, वायरमैन के लिए यहाँ पे 15 पोस्ट है, रेफ्रिजरेटर के लिए 5 पोस्ट है, टोटल 204 पोस्ट है। और जो अगली वर्कशॉप है ये है जमलापुर वर्कशॉप, तो इसके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकली है जितने भी टोटल डिवीज़न हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, फिटर के लिए 260 पोस्ट है और वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक के लिए 220 पोस्ट है, टर्नर के लिए 48 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 43 हैं, डीजल मैकेनिक के लिए 65 हैं, टोटल ये 684 पोस्ट हैं। तो ये जो पोस्ट है ये अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था उसके लिए यहाँ पे ये निकाला गया है। तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन है, जो ऑब्जर्वेशन यूज्ड है, तो पीडब्ल्यूडी आप जो, आपको अगर समझना आए कि जो शॉर्ट कोड दे रखा है, तो जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उसको हम PWBD कहते हैं, जो ESM है एक्स सर्विसमैन है, और UR जो अनरिजर्व कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी, OBC जो अदर बैकवर्ड क्लास है, SC शेड्यूल्ड कास्ट है और ST शेड्यूल्ड ट्रिब है। जो तो ये आपको अगर डाउट हो नोटिफिकेशन में कि कौन सी कास्ट का क्या है, तो वो आप देख सकते हैं। एज की हम बात कर लेते हैं, जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है इसमें फर्स्ट कैंडिडेट, फर्स्ट जो आता है एज आता है, तो 15 साल से और 24 साल के बीच कोई भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। जो गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलती है, जो रिजर्वेशन मिलता है, तो 5 साल का यहाँ पे जो रिजर्वेशन मिलेगा वो SC ST को मिलेगा, और जो OBC NCL कैंडिडेट उनको 10 साल का मिलेगा, और पर्सनल जो PWBD है, जो पर्सनल विद डिसेबिलिटी, उनको 10 साल का यहाँ पे एक्सटेंशन मिलेगा, यानी कि वो 34 साल तक वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये एज़ पर गवर्नमेंट रूल, ये जो रिजर्वेशन है वो मिलेगा, जो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, आप बिलोंग करते हैं रिजर्वेशन कैंडिडेट से, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो 10th पास अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 10+2 जो एग्जामिनेशन सिस्टम है विद मिनिमम 50% मार्क्स आपके यहाँ पे चाहिए होंगे, और आपने जो ITI किया होगा, NCVT या SCVT से आपने किसी भी ट्रेड से ITI किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली जितने भी ट्रेड हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, वेल्डर गैस इलेक्ट्रॉनिक, सीट मेटल वर्कर, लाइनमैन, वायरमैन, कारपेंटर, पेंटर, काफ़ी सारे ट्रेड है। तो किसी भी ट्रेड से आपने, जिस ट्रेड से आपने ITI किया होगा उसी ट्रेड के लिए आपको अप्लाई करना है। और जो मेडिकल फिटनेस है यहाँ पे, तो मेडिकल फिटनेस भी यहाँ पे है, तो मेडिकल जो यहाँ पे आपका अलग से रूल होता है, आपकी मेडिकल, आप किसी भी डॉक्टर से आप अपना मेडिकल फिटनेस चेकअप का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, वो आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा जब आप अप्लाई करेंगे। और आपका जो एप्लीकेशन होगा वो आपको ऑनलाइन मोड में सबमिट करना होगा। यहाँ पर रिजर्वेशन के लिए काफ़ी डिटेल में जानकारी दी गई है, तो आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो वहाँ पे आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन जो आपका रहेगा, यहाँ पे जो लिखा है मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका कोई टेस्ट नहीं है, आपका जो सिलेक्शन होगा मेरिट, जो प्रिपेयर्ड लिस्ट होगी उसके हिसाब से आपको, मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, मतलब आपके जो मार्क्स होंगे, जो ITI मार्क्स हैं वो यहाँ पे वेरी करेंगे, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी यहाँ पे आपको, मतलब कोई टेस्ट वेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आपको जो 10th पास के सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे उसमें, और उसी मेरिट के हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, उसमें दोनों चीज़ उसमें कंसीडर करेंगे। और एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात कर लेते हैं, तो जो नॉर्मल कैंडिडेट है 100 रुपये उनको फ़ीस देनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। और जो SC ST PWBD या ओमेन कैंडिडेट है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। हम बात करेंगे लास्ट में जो कि आपको किस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो सिंपली यहाँ पे सवाल आता है हाउ टू अप्लाई, तो आपको जो है ऑनलाइन जाना है, आपको जो रेलवे की वेबसाइट है RRC www.rrcer.com पे आपको जाना है, और आपको डिटेल इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे जो कॉलम है रिले कम्युनिटी के SC ST फिजिकली डिसेबिलिटी, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। और एक कैंडिडेट को यहाँ पे एक ही एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना, आपको एक ही एप्लीकेशन देना होगा। और
जो आपको अपलोड करना होगा, आपके जो स्कैन फोटोग्राफ आपको अपलोड करना होगा, स्कैन सिग्नेचर जो होता है जिसको हम डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं वो आपको अपलोड करना होगा, और LTI जो होता है, और आपके जो सर्टिफिकेट्स है वो आपको अपलोड करने होंगे, जिसमें कि आपके 10th पास का सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गई, आपके एज प्रूफ हो गया, ITI सर्टिफिकेट जो है वो आपको आप करना होगा, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, इसमें आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, जो आपका डोमिसाइल हो गया या SC ST जो भी आपके जाति प्रमाण पत्र, जिसके हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा रिजर्वेशन का, और जो PWBD अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आप उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। और यहाँ पे ये हेल्प डेस्क भी रेलवे ने शायद यहाँ पे किया गया है, तो फॉर एनी प्रॉब्लम सबमिटिंग ऑनलाइन प्रिंटिंग ऑफ द एप्लीकेशन कैंडिडेट एडवाइज टू गो हेल्प मी कॉलम मेंशन टॉप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू सीक हेल्प। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन हेल्प भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी है, अगर आपको कुछ डाउट होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे इंपॉर्टेंट लिंक डाल दिए हैं, जिनमें कि नोटिफिकेशन लिंक हो गया और ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। और फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, मैं आपका डाउट यहाँ पर क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन्होंने ITI किया है, जो जॉब देख रहे हैं, जो अप्रेंटिसशिप के लिए जॉब देख रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना आप बिल्कुल ना भूलें।